आज है हमारे साथ डोमिनार 400, उसके ओनर को मैंने बुलाया, जैसे ही आता है फिर आपको पूरी कहानी बताता हूँ। डोमिनार 400 हमारे बीच है और डोमिनार के मालिक भी हमारे साथ हैं, मेरा दोस्त ही अभी। क्या हाल है? बढ़िया भाई। अमित भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, बढ़िया। स्वागत है भाई तेरे हमारे चैनल में। थैंक यू अमित भाई, आपने हमें मौका दिया। मौका क्या यार, बस चौका ही है। तो भाई सबसे पहले यार तू कसम खा के बोल कि जो भी जवाब जो पूछूंगा सही जवाब देगा। झूठ नहीं बोलेगा। कैसी बातें कर रहे हो? चलो भाई की कसम खा के बोल रहा हूं, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। अब ये सच ही बोलेगा, बाइक को बहुत प्यार करता है। तो भाई सबसे पहले बताया यार, ये मॉडल कौन सा है? अमित भाई ये है लॉन्चिंग डेट का मॉडल 2017 का। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि ये लेके भी 17 तारीख को ही आया था। अच्छा, 17 सितंबर 2017 इसकी डेट है जब ये लेके आया था, और आई थिंक तब लॉन्च ही हुआ था। और अमित भाई एक चीज और। बिल्कुल बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट चंबा में पहला ABS चैनल डोमिनार मेरा। वाह भाई, डिस्ट्रिक्ट चंबा में यार हमारे हिमाचल में सबसे पहले यही लेके आया था डोमिनार। तो यार दूसरी बात मुझे बता, इसके साथ जैसे होता है यार कोई बाइक लेने जाता है तो सोचता है यार ये लूँ या ये, तो इसके कंपटीशन में तू कौन सी बाइक देख रहा था? एक्चुअली अमित भाई आपको तो जैसे पता ही है, शुरू से मेरे को टूरिंग का शौक बहुत रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो उस इस चक्कर में मैं इसके साथ कंपेयर करता था 390 ड्यूक 390। हाँ जी, चलो ठीक है। तो ड्यूक 390 के बाद तूने इसको कैसे फिर चॉइस तेरी इस पे जाके कैसे रुकी? मेरी इस पे जाके इसलिए रुकी, जो एक तो लॉन्चिंग नया डेट आया था, ये बाइक नई आई थी। बिल्कुल। उसके बाद जो 390 थी वो लोगों को पता था कि ये ड्यूक 390 है। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम पे उसका फेसलिफ्ट आया नहीं था एक्चुअली। इसका फेसलिफ्ट आ चुका था, ब्रांड न्यू गाड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल। और बजाज के साथ तो मेरा शुरू से ही ट्रस्ट रहा है। पहले बार 220 मेरे पास थी। अच्छा गाइस, मैंने 220 4 साल रखी, 4 साल में मैंने 75,000 किलोमीटर चला दी थी। तो उसके बाद फिर मैंने ये लिया जी, 75,000 पल्सर 220 रखी थी। उसके बाद इसने सेकंड बाइक फिर ये बजाज। अच्छा यार मुझे अब बजाज की बात आई गई तो पहले यार तू ये बता कि बजाज के साथ यार कैसा एक्सपीरियंस है तेरा, जैसे सर्विस करवाने जाते हैं या फिर अगर कोई बाइक में कोई खराबी आती है पार्ट चेंज करवाने हैं तो तू सर्विस कभी ना कभी इस बाइक में भी, प्लस तेरा 220 भी तेरे पास थी, तो यार बजाज का कैसा एक्सपीरियंस है इसका तेरा सर्विस स्टेशन का? अमित भाई जो 220 की जो सर्विस कॉस्ट थी ना वो मेरी नियर अबाउट 1500 to 2000 के बीच में हो जाती थी। अच्छा ठीक है, जो इसकी सर्विस है वो मेरे को नियर अबाउट 3500 to 4000 के बीच में पड़ती है। अच्छा, क्योंकि इसका जो स्पेयर पार्ट है वो थोड़ा सा महंगा है। ठीक है दोस्तों, 3500 के आसपास इसकी सर्विस कॉस्ट इसकी पड़ती है। तो बाकी यार अभी तू इसको कितने किलोमीटर चला चुका है? अभी तक ये 26 चली है। 26,000 किलोमीटर ये चला चुका है। अच्छा, और इसमें तूने कहाँ कहाँ के टूर करे हैं अभी? अमित भाई इसमें मैंने टूर करे हैं साच पास, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर। अच्छा हाँ जी दोस्तों, साच पास आपको पता है मोस्ट डेंजरस रोड इन द वर्ल्ड, जो हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही है। दूर दूर से जितने मोटो ब्लॉग्स बनाने वाले सारे लोग यहाँ पे आते हैं साच पास, तो ये साच पास भी ले जा चुका है। बाकी यार हाईवे में तो चलता ही है पंजाब चंडीगढ़, पूरा पंजाब ये घुमा हुआ है और लद्दाख गया हुआ है, तो मैक्सिमम इसने काफ़ी टूरिंग किया। तो यार एक्सपीरियंस बताया इसको, तू हर जगह लेके गया है तो क्या है, मतलब कम्फर्टेबल है सब कुछ कहीं? अमित भाई एक बार एक चीज़ और, जब मैंने बाइक ली थी तो दिसंबर में मैं इसको लेके गोवा चला गया था। अच्छा, गोवा भी जा चुका है, यहाँ हिमाचल डलहौजी से गोवा। नियर बाय ऐसे कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से अप डाउन हमें 9000 किलोमीटर पड़ा था। 9000 किलोमीटर ये जा चुका है इस बाइक में भी। तो क्या यार कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस बोलूं तो अमित भाई सही बोलूं, एज अ कार है जी। अच्छा, एज अ कार मतलब कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल पूरी है जी। कोई की हां अमित भाई मानोगे, जब मैं यहां से निकला था सिर्फ गाड़ी का गाइस सिर्फ चेकअप करवाया था, सर्विस कुछ नहीं कराई थी। जब मैं यहां से निकला था तो सिर्फ 5000 किलोमीटर थी,
जब मैं वापस रन करके आया तो ये 15,000 किलोमीटर पे था। तो 15,000 किलोमीटर पे आके मैंने इसकी सर्विस कराई थी और ना कोई पंचर हुआ ना कोई फॉल हुआ, मतलब बिंदास रॉकेट ही था जी। तो अभी यार अब मैं तेरे को यार ये पूछना चाहूँगा कि तू मुझे ये बता इस बाइक के यार पॉजिटिव पॉइंट क्या है, जो पॉजिटिव देख के तूने भी बाइक मतलब खरीदी है तो कुछ पॉजिटिव, तूने भी इतना 26,000 चला चुका है तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट बता इस बाइक के। अमित भाई पॉजिटिव पॉइंट तो इसके पहले एक तो ये है कि एक सेल्फ में इसको 900,000 किलोमीटर आप कंटिन्यूसली ड्राइव कर सकते हो। अच्छा जब भी मतलब उधर आपको ऐसा नहीं फॉलो होगा यार मैंने कोई बाइक चला गया, आपको ऐसी लग रहा है यार मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। अच्छा मतलब कम्फर्ट लेवल ए क्लास है भाई। ठीक है और इसका कुछ और पॉजिटिव? उसका एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर आपकी इनकेस पिछली ब्रेक छोड़ जाती है साथ, तो आप अगली ब्रेक से ये कॉम्बो ब्रेक है। अच्छा कॉम्बो कॉम्बो आएगी, जितनी स्पीड अगर पिछले की है वो अगली कंपेयर कर लेती है। अच्छा और साथ में ईबीएस है ही तो कोई डरने की दिक्कत है ही नहीं है। और कोई तीसरा? भाई तीसरा चीज जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है सबसे ज्यादा वो है इसका 182 बॉडी वेट। अच्छा बॉडी वेट इसका ड्यूक से भारी है? हाँ जी ड्यूक का 162 के आसपास है जी। अच्छा ठीक है यार ड्यूक से भारी भी है बाइक, तो ऑब्वियसली यार भारी बाइक है तो थोड़ा उसका क्या है कि यार चलाने में थोड़ा सा पकड़ सही रहती है। और एक चीज और अमित भाई, जब ये चलती है ना एक्चुअली ऑलमोस्ट बंदों को पता नहीं है कि डोमिनार भी कोई बजाज ने लॉन्च किया हुआ है। हाँ ये भी यार जैसे इसकी मॉडिफिकेशन वगैरह इसने करा रखी है, अभी आपको इसकी मॉडिफिकेशन इसने क्या कराई है सब बताएंगे, लेकिन इसने ये जब यार रोड पे चलती है तो पता नहीं लगता डोमिनार है, सब देखने लगते हैं, बहुत ह्यूज बाइक लगती है। और यार इसका प्राइस भी जब 390 के छोड़ के तूने जब ये ली थी तो प्राइस भी थोड़ा डिफरेंस था अमित भाई? प्राइस का डिफरेंस था ना, वो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था। अच्छा ये कितनी ऑन रोड तेरे को पड़ी? ये मेरे को अमित भाई उस टाइम पे 2017 में जब मैंने ली थी तो ये मुझे 190 के आसपास कंप्लीट पड़ गई थी। 190 के आसपास ऑन रोड? ऑन रोड 190 और ड्यूक उस टाइम 3,00,000 के आसपास पहुंच। हाँ जी भाई बिल्कुल है ना, इसी के आसपास थी। चलो ठीक है। और ड्यूक में कंप्लेंट भी बहुत थी इस वजह से मैंने फिर वो ली भी नहीं। और अमित भाई एक चीज और, इसमें इस प्राइस के रेंज में उस टाइम पे स्लीपर क्लच कोई गाड़ी नहीं देता दोस्तों, इस पे स्लीपर क्लच भी है और इस सही कह रहा है यार, इस प्राइस में स्लीपर क्लच भी मिल रहा है, ड्यूल चैनल एबीएस मिल रहा है और यार इतनी पावर मिल रही है तो ऑब्वियसली यार गाड़ी तो बहुत दमदार है। बाकी यार ये 26,000 चला दी, तुझे कहीं कोई कंप्लेंट कभी कोई कोई कंप्लेंट नहीं अमित भाई? कोई इंजन कोई कोई कंप्लेंट नहीं है, मैं बोलूंगा भाई तेल डलाओ सेल्फ मारो और जाओ। चलो चलो यार बहुत बढ़िया है। चल ये तो हो गया यार पॉजिटिव पॉइंट है, अब तू मुझे कुछ यार नेगेटिव ही सच सच बता, नेगेटिव कुछ अगर तेरे को लगता है कहीं पे तो। अमित भाई सही बात बोलूं, मेरे को तो अभी तक नेगेटिव इसमें लगा नहीं, बस एक चीज मैं जरूर बोलता हूं कि इसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन है। हाँ वाइब्रेशन दोस्तों, मैंने भी अभी चलाई इसकी तो थोड़ी सी वाइब्रेशन मुझे भी लगी, लेकिन चलो यार इतना जब यार कॉम्बो पैक मिल रहे तो थोड़ी बहुत वाइब्रेशन बंदा उसको नजरअंदाज कर देता है। बाकी यार इसकी मेन अब एवरेज की बात करते हैं, ये तू मुझे बता, अब हाईवे की अलग बता, पहाड़ों में चलता है वो मुझे बता क्या एवरेज है इसकी। अमित भाई जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं गोवा गया था इसकी थर्ड सर्विस के बाद, ठीक है, तब मेरे को उसने अराउंड 28-30 एवरेज दी है। ओके 30 के आसपास तेरे को एवरेज मिली हाईवे ऑन हाईवे ऑन हाईवे और स्पीड देरी वो भी आप रख लो 130-140 में। चलो मतलब 120-130 के आसपास 30 की एवरेज। यस जी। और पहाड़ों में बताया यार? पहाड़ों में अब मेरे को देती है भाई 20-22 की एवरेज। 20 से 22 मुझे लगता है थोड़ी ज्यादा भी दे सकती है, लेकिन ये चलता भी बहुत गंदा है दोस्तों तो काफी ये एक टाइप का रेसर ही है, काफी तेज चलता है इसीलिए इसकी एवरेज इसको कम ही मिलती होगी। एक दो अगर कोई थोड़ा इसको और नरम से चलाए तो मुझे लगता है 1-2 किलोमीटर ज्यादा मिल सकती है इसकी मिल सकती है। और अमित भाई जो सिटी की जो है सिटी में इसकी एवरेज बहुत बहुत ही कम है, क्योंकि एक्चुअली गाइस आपको पता है सिटी में हर टाइम पे गियर अप डाउन होते हैं और ये छोटे गियर में ही चलती है, सिटी में हैवी गियर में चलती नहीं। अब रही है मॉडिफिकेशन की, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इस पे कितना को मॉडिफिकेशन की हुई है। चल ठीक है यार, तो आगे से मुझे शुरुआत से बताता रहे सबको कि तूने क्या क्या लगवाया है, कितने का प्राइस के साथ। अमित भाई पहले तो मैं कहता हूँ ये नंबर प्लेट होल्डर। अच्छा ठीक है, जो शोरूम से जब ले आया तो यहाँ पे आती है। हाँ बिल्कुल सर पे होती है, तो मैंने यहाँ करा दी, यहाँ पे देखने में अच्छी लगती है। हाँ ठीक है जी, तो ये जब मैंने ली थी तो नियर अबाउट ये मेरे को 200 रुपए की पड़ी थी। अच्छा ठीक है, 200 में। और नेक्स्ट? नेक्स्ट में उसके बाद मैंने ये कार्बन रेसिंग का विंडशील्ड मंगाई। बिल्कुल विंडशील्ड, ये मेरे को 2000 के आसपास पड़ी थी। अच्छा ठीक है। और अमित भाई ये मैंने मंगवाए हैं नकल गार्ड्स। अच्छा, इसको हैंड प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। ओके, ये मैंने अमेजोन से मंगाए थे, ये मेरे को कॉस्ट पड़े थे 2000 के आसपास। चलो ठीक है। और प्लस इसमें एलईडी है अमित भाई, चला के दिखा। ये देखो अमित भाई, अरे वाह यार, एलईडी है। अच्छा। और ये सबसे बड़ी अच्छी बात है अमित भाई, ये एडजस्टेबल है, ये ऊपर नीचे आप जैसे मर्जी कर सकते हो। अच्छा ये, अच्छा ये लाइट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, करके दिखाना। ये देखो अमित भाई, हाँ बहुत बढ़िया अमित भाई, तीसरी ये लगाई है मैंने नीचे एलईडी। अच्छा ये भी, ये जो मैंने ली थी तब ये 1200 के आसपास मेरे को कॉस्ट करी थी। अच्छा ठीक है जी। और सबसे मेन बात अमित भाई मैंने कराई है इसको रैपिंग।
अच्छा रैपिंग रैप करवाया है आपको पता अच्छा। जब मैं बाइक लेके आया तो ये चॉकलेट कलर की थी। हाँ यार सही कह रहा है यार, तभी मैं सोचूं कुछ तो डिफरेंट है, मैं पकड़ नहीं पाया था। रैपिंग करवाई सही हाँ, कह रहा है। मैंने चंडीगढ़ रैप कराया जब मैं लास्ट ईयर चंडीगढ़ था। अच्छा ठीक है, रैपिंग है, रैपिंग तो बढ़िया की। कॉस्ट पड़ी थी 3000 के आसपास। रैपिंग तूने टैंक करा, ये हेडलाइट कराया, कान कराया, मेन कराया, और ये नीचे कराया है और ये ना। हाँ जी अमित भाई ठीक है। और यार और अमित भाई ये मैंने टॉप बॉक्स लगवाया है अभी रिसेंटली, मैंने मंगवाया हुआ था जीबी के शोरूम से मंगवाया था। अच्छा ठीक है, ये तो टूरिंग वूरिंग के लिए। टूरिंग के लिए हाँ जी बिल्कुल टूरिंग के लगाया है गाइस। 30 लीटर का जीबी का टॉप बॉक्स है, मेरे लिए बजट के हिसाब से और मेरी नीड के हिसाब से बेस्ट था। अच्छा तो कितने का पड़ा ये? मेरे को पड़ा था 4500 रुपए का। अच्छा दोस्तों देखो लुक देखो, ये देखो कितनी बड़ी बाइक लगती है यार इसमें ना, और रोड पे चलती है तब तो और बढ़िया लगती है। और ये एक चीज अमित भाई और हाँ, ये मैंने इंडिकेटर फ्लैशर लगा रखे हैं। हाँ यार ये जो आप दूर से देखे होंगे बिल्कुल, ये अमित भाई जब हम क्रूजिंग करते हैं हाँ, तो पिछली मतलब गाड़ी को भी इंडिकेटर रहता है कि यार आगे कुछ गाड़ी जा रही है, बी केयरफुल। हाँ यार ये तो है, इस साइड से भी लुक देखे। और ये गोप्रो का स्टिकर लगा रखा तूने? हाँ जी भाई सही है दोस्तों। अब मैं एक और चीज मंगवा रहा हूँ, वो आपको जब मैं लगा ले आऊंगा तब बता दूंगा। इसके लिए ला रहा हूँ गाइस क्रैश गार्ड। अच्छा क्रैश गार्ड भी मंगवा रहे हैं। ये एक्चुअली जो कंपनी फिटिंग है ये बहुत छोटा सा है। हाँ यार जो गाड़ी मतलब फॉल वगैरह होती तो नुकसान होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। सही कह रहे हो दोस्तों, लुक देखो यार आगे से। गाइस ये कुछ मैं आपको प्रॉपर इसकी लाइटिंग ऑन करके बताता हूँ। गाइस ये आ गई मेन लाइट, और गाइस ये कुछ इस प्रकार की लगती है गाइस स्टार्टिंग में। कई आप लोग सोच रहे होंगे कितनी लाइटिंग इसने क्यों रखी है, उसका रीज़न बताता हूँ। हम करते हैं क्रूज रात को भी, तो इसलिए हमें रोड पे विजिबिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि बाइकर को आपको पता है कि या कोई भी लाइट डिपर वगैरह नहीं देता, इसलिए हमें क्रूजिंग के लिए लाइट्स ज़्यादा चाहिए होती कि रोड हमें अच्छा से दिखे। भाई ये तो गया, एग्जॉस्ट नोट भी सुना दें भाई, एग्जॉस्ट भी चेंज कराना भी ये कंपनी फिटिंग ही है आप। अच्छा ये सुन लो। अच्छा ये तो यार दोस्तों अपना स्टॉक ही है। अरे यार ये क्या कुछ ब्लू ब्लू यहाँ पे, करियो ऑन चाबी। अरे वाह ये लाइट ये लगा रखी है, मैंने लगा रखी है। अच्छा। कि इन केस रात को कोई पंचर वगैरह हो जाए। अरे वाह यार तो लाइट विजिबिलिटी बहुत रहती है। देख रहे दोस्तों बहुत शौकी है ये, पूरा रॉक एंड रोल, बहुत प्यार करता हूँ आपको इसका। एक्चुअली ये अमित भाई को भी नहीं पता है इसका नाम, ये डोमिनार बोल रहे हैं, बट मैंने इसका प्यार से बुलबुल रखा है। अरे वाह तेरी बुलबुल, शादी भी इसी से करेगा लग रहा है तू। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों होप करता हूँ हमने सारे पॉइंट यार कवर कर लिए हैं। और दोस्तों मैंने भी इसको राइड करके अभी एक्सपीरियंस किया, तो यार मैं जैसे पल्सर की बजाज 220 चला रहा था अभी तक जो मेरी अपनी बाइक है, तो दोस्तों इसको चलाने के बाद एक तो यार बहुत बल्की लग रही थी, पावर तो यार ऑल है ही यार, अगर 220 से अब मैं डायरेक्ट इसको चला रहा हूँ तो पावर तो ऑब्वियसली मुझे बहुत लगी। और यार ऐसे लग रहा था मैं काफ़ी हाइट पर बैठा हूँ, मतलब ऊँची बाइक लग रही थी, तो मतलब मज़ा आ रहा था, फील आ रहा था हैवी बाइक चलाने का। तो दोस्तों यही था आज के लिए, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यार कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो अच्छी लगी, कौन सा पार्ट अच्छा लगा या नहीं लगा, तो और कुछ कमी है तो वो भी बताएं। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो दोस्तों ऐसी किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं।